पराठा बनने जा रहा है। इसके लिए देखिए ये 250 ग्राम सत्तू है, 3 बड़ा प्याज है, ये नींबू का रस है, ये अदरक है घिसा हुआ, ये हरी मिर्च कटी हुई है, ये लहसुन कटा हुआ है, ये सरसों का तेल है 2 बड़ा चम्मच, ये मिर्ची का अचार है, ये अजवाइन है और स्वादानुसार नमक है। आइए अब इसको मिलाते हैं। ठीक है, अब 2 चम्मच इसमें पानी ऐड कर देंगे क्योंकि तेल जो है कम पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा तेल डालेंगे तो नुकसान करेगा। हाथ में लेके अगर उसको बांधेंगी तो लड्डू की तरह बन जाएगा। तो ये तैयार हो चुका है। ठीक है, नॉर्मल आटा गूंदना है जैसे आप रोटी। ये देखिए आटा गूंद के मेरा तैयार हो चुका है इस तरह से। अब इसको रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। तब तक चलिए चोखा बनाने का तैयारी करते हैं। ये देखिए चोखा बनाने के लिए आज मैं चोखा कुकर में बनाने जा रही हूँ, इसलिए देखिए 8-10 खड़ा आलू छीला हुआ है, 4 बैंगन कटा हुआ है और ये 4 टमाटर है, ये हरी मिर्च है कटा हुआ, लहसुन कटा हुआ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अदरक घिसा हुआ और 1 चम्मच ये नमक है। इसको तेल डाल करके छौंक देंगे, इसको जो है कवर कर देंगे। देखिए अब पराठा बनने जा रहा है सत्तू का। इसके लिए देखिए आटा तैयार हो चुका है, ये सत्तू है और ये देखिए इस तरह से इसको गोल पेड़ा लीजिए और उसको गोल 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 घुमा करके कटोरी की तरह गोल बनाइए। कटोरी की तरह बन गया है, अब इसमें सत्तू डालेंगे। सत्तू डाल के अब इस तरह से इसको मोड़ती जाइए और बंद करती जाइए। बंद हो गया, अब इसको हथेली से दबा दीजिए। दबा के हाथ से धीरे धीरे उसको गोल करिए, हल्के हाथ से इसको बेलिए। ये देखिए कितना परफेक्ट पराठा बेल रहा है, बिल्कुल गोला है और कहीं से फटा नहीं है। बहुत अच्छा पराठा बन के तैयार हो रहा है। अब देखिए कर डाली, अब देखिए हाथ पे उठा करके हल्के हाथ से इसको धीरे से तवा पे डाल दीजिए। अब ये धीरे धीरे पकेगा, इसको धीरे धीरे पलट के देख लेंगे कि उधर हुआ कि नहीं। एक आगे तुरंत पलट देंगे और पीछे जो है थोड़ा सा लाल हो जाएगा तब इसको पलटेंगे। ऊपर से 1 चम्मच जो है कि देसी घी लगा दीजिए। देसी घी में पराठा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको अगर देसी घी ना पसंद हो तो किसी भी रिफाइंड ऑयल में बना सकती हैं। अब देखिए दूसरा पेड़ा भरा जा रहा है। देखिए बिल्कुल उसी तरह से ये पेड़ा भी बन के तैयार हो गया। अब इसको भी हथेली से थोड़ा सा दबेगा। हथेली से दबाने के बाद हल्का सा परथन लगा करके इसको हल्के बेलन से इसको धीरे धीरे बेल लिया जाएगा। अब देखिए तवा पर का जो पराठा उसको पलट के दूसरे तरफ भी घी लगा देंगे। सर खिला खिला पराठा फूल करके तैयार हो रहा है। जितना इसको अच्छा सेकेंगे उतना ही खाने में ये टेस्टी लगेगा। धीरे धीरे तवा पर घुमा घुमा करके इसको सेकना है। देखिए धीरे धीरे घुमाती जाइए चिमटे से और इसकी सिकाई करती जाइए। देखिए गोल्डन कलर का कितना अच्छा सत्तू का पराठा बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा पराठा बनके तैयार हुआ है। अब दूसरा देखिए दूसरा पराठा भी उसी तरह से हल्के हल्के बेलन से बेल लेंगे। इस तरफ हल्का सेकेंगे, दूसरे तरफ धीरे धीरे घुमा घुमा करके अच्छी तरह से सेकेंगे। देखिए दूसरा पराठा भी अब पलट दिए हैं। अब इसमें भी 1 चम्मच देसी घी लगा दीजिए। धीरे धीरे तवा पर घुमा घुमा करके सेकेंगे, गोल्डन कलर का हो जाएगा
खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए मेरा आलू बैंगन का भरता और ये पराठा बन के तैयार हो चुका। चोखा में देखिए एक चम्मच देसी घी डाल दीजिए। अब ये सर्व करिए, बहुत ही स्वादिष्ट डिनर बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा। थैंक यू।